छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके व्यापम और पीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में अभी श्रम निरीक्षक में दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? मात्र दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। तो यहां से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनजाति और बस्तर का दशहरा से प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे हॉस्टल वार्डना और महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज जो प्रीमियम क्लास लेकर आए हूँ आप सभी के लिए, कौन सी क्लास है आपका? प्रीमियम क्लास, जो आपका महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो जो बस्तर का जो दशहरा होता है, याद कर लीजिएगा, मात्र 75 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। सेकंड है आपका, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ किस स्थान पर मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा क्षेत्र, एरिया यानी कि स्थान, तो आपका आ जाएगा जगदलपुर। कौन सा आ जाएगा? जगदलपुर, ठीक है। तो जगदलपुर में मनाया जाता है। अगर देवी देवताओं के बारे में बात करें तो ये आपका दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बस्तर दशहरा में काछिन गादी का अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? तो देखिए, जो आपके ये वाला जो पाठ है आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा महार कन्या, ठीक है। चलिए, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? तो याद रखना आपका काछिन गादी देवी से, ठीक है, काछिन गादी देवी से पूजा की जाती है। इसकी प्रथम जो रस्म है आपका काछिन गादी देवी, और देवी की बात करें तो दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। जबकि प्रारंभ पूछा गया है तो आपकी काछिन गादी देवी होगा, ठीक है। बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? ये मिठाई नहीं है ना, ये मिठाई है, याद रखना। तो बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? तो मंदिर में कलश स्थापना कहा जाता है। आपके श्रम निरीक्षक जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 2023 में, यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो कई लोगों का आंसर यह कहना है कि इसका पुजारी की नियुक्ति बोल रहे हैं, जबकि पुजारी की नियुक्ति नहीं होगा। जो जोगी मिठाई है आपका, मंदिर में कलश स्थापना होता है, ठीक है, याद रखना इसको, एक बार नोट कर लीजिएगा। कई लोग आंसर ए दे रहे हैं, इसका आंसर ए नहीं होगा, मंदिर में कलश की स्थापना होगा, आंसर बी होगा, जो कि जोगी मिठाई कहा जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व किस माह आयोजित किया जाता है? ये भी आपके व्यापन एग्जाम 2021 में जो प्रश्न अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बस्तर में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है। तो बस्तर में जो गोंचा पर्व होता है आपका, याद रखना हमेशा, मैं इसीलिए आपको दशहरा पर्व त्यौहार वगैरह से क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वहाँ से आपके 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछता है, चाहे आप व्यापम की तैयारी करो चाहे पीएससी की, है ना। मैं आप सभी के लिए इसीलिए कह रहा हूँ। साथ ही देखिए, महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, तो उसकी फॉर्म आप लोग भर लिए हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ना महिला पर्यवेक्षक का, तो क्लास स्टार्ट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन की क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, या फिर सब्सक्राइब के जो बगल में जो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा वहां पर आप क्लिक करके हमारे पेड क्लास ले सकते हैं। निम्न में से किसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का शुरुआत किया गया था? तो कौन सा जो है देव है जो बस्तर दशहरा का शुरुआत किया गया था? तो आपका हो जाएगा महाराज पुरुषोत्तम देव जी है, ठीक है, याद रखना महाराज पुरुषोत्तम देव हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को या किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? तो गोंचा जो पर्व है आप सभी ने सुना होगा, गोंचा पर्व वो रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा डी। बस्तर अंचल में मावली परगाव, देखिए जो हमेशा ये भी आपके व्यापम में पूछा गया है, बस्तर अंचल में मावली परगाव किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये आपका दशहरा से संबंधित है, और हम अभी पढ़ रहे हैं आपका दशहरा 75 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक। कौन सी देवी की? तो काछिन गादी देवी का, याद रखना काछिन गादी देवी की। यात्रा की बात करें तो आपका आ जाएगा पाट यात्रा। कौन सा? पाट यात्रा, याद रखना है ना। अब इसका मैं डिटेल आपको समझाऊंगा कि मावली परगाव का अर्थ होता है मावली देवी का स्वागत करना। कौन सी देवी? मावली देवी का स्वागत करना, यानी कि इस रस्म में जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है।
दंतेवाड़ा में डोली में लाई गई माता का जो स्वागत किया जाता है उसी को मौली प्रघाव कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मौली प्रघाव का अर्थ क्या होता है तो मौली देवी के स्वागत करना होता है। याद रखना है ना, आपके चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो या फिर पीएससी का, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है, तो आप सभी को बताया हूँ दशहरा, ठीक है। और मैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वह आपको कमेंट करके बताना होगा। तो देखिए ये जो हरेली पर्व है कौन से त्यौहार कौन से महीना में मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो हरेली त्यौहार है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हरेली त्यौहार हो गया या फिर यहाँ पर गेड़ी त्यौहार भी कहा जाता है। छेरछेरा कब मनाया जाता है, किस पर्व पर मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। छेरछेरा किस माह में मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये आपके व्यापम 2023 में लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेष पूजा की जाती है, आप सभी को मालूम होगा। बस्तर हमेशा याद रखना, बस्तर का दशहरा से जो होता है ना दंतेश्वरी देवी से समर्पित है या उसी माता मंदिर में है ना, महामाया मंदिर नहीं होगा ना, बम्लेश्वरी देवी आपका राजनांदगांव में, दंतेश्वरी देवी आएगा आपका, ठीक है। आंसर इसका आप लोग बताइएगा, बस्तर दशहरा के अवसर की किसकी पूजा की जाती है, तो दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। बार बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो हुआ था एग्जाम, तुबकी किस पर्व से संबंधित है, तो तुबकी आपका रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दिवाली किस माह मनाया जाता है, दिवाली कौन सा माह में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो लोग व्यापम पीएससी खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हॉस्टल बढ़ाने की क्लास हमारे चैनल पर कराया जा रहा है, डेली कंप्यूटर और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन रहेगा, उसको क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ पर मेरा नंबर है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाला जो कार्यक्रम है मौली प्रघाव ही कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आप सभी को मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से याद रखना। भीतर रैनी बस्तर दशहरा के दौरान विजयदशमी के दिवस में होने वाला रस्म है, इस रथ में यानी कि जो आठ पहिए वाली रथ होता है उसको नगर भ्रमण यानी गांव-गांव में घुमाया जाता है, ठीक है। बस्तर दशहरा में मौली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो अंतिम कार्यक्रम को आपका गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। आपके पीएससी और व्यापम में दो बार पूछा गया है, ठीक है। बस्तर दशहरा में मौली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम जो कार्यक्रम होता है इसको रट लीजिएगा, मुंडा गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। तो क्या होता है मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, और जो जो फैक्ट बता रहा हूँ अब उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए बस्तर का दशहरा का अंतिम विदाई के सम्मान में, ये जो आप देख रहे हैं ना विदाई के सम्मान में रोहाड़ी होता है जो अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन आयोज होता है, इस रस्म में मौली माता की विदाई सम्मान में गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो फैक्ट है उसको याद रखना, यहाँ तक जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बस्तर दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो बस्तर दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस पर्व में राम रावण युद्ध ने की नहीं बल्कि बस्तर की माता दंतेश्वरी माता के प्रति अपार श्रद्धा झलकती है। तो आप सभी का क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप नेक्स्ट पार्ट लेकर आए करके। ये जो हम लेकर आए थे प्रीमियम क्लास लेकर आए थे, बस्तर दशहरा में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 2-3 तरीकों से, इसको आप लोग छोड़ के आए थे। देखिए बस्तर के दशहरा के अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा था, गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है, लेकिन उसको एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, बस्तर के दशहरा के अंतिम कड़ी गंगा मुंडा यानी कि उसको कुटुंब यात्रा भी कहा जाता है, गंगा मुंडा यात्रा या फिर कुटुंब यात्रा या फिर अंतिम कड़ी भी कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि बस्तर के दशहरा के अंतिम विदाई को क्या कहा जाता है, अंतिम रस्मों को क्या कहा जाता है,
तो गंगा मुंडा यात्रा ना देकर आपको कुटुंब यात्रा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? कुटुंब यात्रा। इसीलिए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ। कौन सा पॉइंट लेकर आया हूँ? इसीलिए मैं यह पॉइंट लेकर आया हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, याद रखना। इसीलिए इसके जगह स्थान पर कई लोग रट्टा मार के चले जाते हैं ना कि गंगा मुंडा यात्रा, गंगा मुंडा यात्रा करके। इसके स्थान पर अब क्या दे दिया गया था? इसके स्थान पर अब कुटुंब यात्रा दे दिया गया था। अब आप लोग घबरा गए कि देखिए ये वाला तो नहीं होगा। तो बस्तर के दशहरा के अंतिम कार्यक्रम को तीन प्रकार से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आए भूलोगे नहीं। गंगा मुंडा यात्रा, कुटुंब यात्रा, गंगा मुंडा और अंतिम कड़ी, ये जो तीन फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन करके लिख दिया हूँ मैं, है ना। तो ये जो तीनों फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अंतिम यात्रा यानी कि जो बस्तर दशहरा का अंतिम कार्यक्रम होता है उसको इस तीनों के नाम से जाना जाता है। कभी भी अगर इसके स्थान पर कुटुंब यात्रा दे दिया या फिर अंतिम कड़ी दे दिया तो वही आंसर होगा, ठीक है, व्यापम विलोपित नहीं करेगा इसको। तीसरा, छत्तीसगढ़ बस्तर में किसकी पूजा की जाती है? बस्तर में आप किसकी पूजा जाएगी? एक तो जैसे दशहरा होता है तो आपको दिवाली वगैरह आता है, उसी प्रकार यहाँ पर दंतेश्वरी माता देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके